कांग्रेस का कौन बनेगा अध्यक्ष, इसको लेकर आज लगातार मीटिंगें चल रही है। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सर। सवाल सीधा है, लगातार अटकलें थी कि जल्द से जल्द इस पर अल्पविराम लगेगा और कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। रणदीप सुरजेवाला ने पीसी की है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांग है वो यही रखी गई है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर बनाया जाए। देखिए, सारे रैंक एंड फाइल और सीट के लीडर्स से जहाँ भी हमने बातचीत की है और आज स्टेट के लीडर्स से कंसल्ट भी किया, वो कहते हैं नहीं, ओनली राहुल गांधी जी ही इस चुनौती, जब लोकतंत्र के लिए, भारतीय समाज के सारे मूल्यों के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है, तो इसमें राहुल जी ही हमको लीड कर सकते हैं। और रैंक एंड फाइल की आवाज़ है, अब हम शाम को 8 बजे राहुल जी को उस आवाज़ को उन तक पहुंचा देंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जो एक कोरस है हमारे कार्यकर्ताओं की, जो पुकार है कि राहुल गांधी, वो राहुल जी सुनेंगे। सर, CWC के भागों को फिलहाल के लिए 5 भागों में बांट दिया है, मीटिंगें चल रही है, रात का वक्त दिया गया है, एक मीटिंग खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी बाहर निकल चुके हैं, सोनिया गांधी बाहर निकल चुकी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस मीटिंग का पार्ट नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब साफ मनाही हो रही है तो किसी और को भी पार्टी की तरफ से, जो कंसल्टेशन के लिए 5 ग्रुप बने हैं जिन्होंने स्टेट की राय जाननी है, राहुल जी ने उससे अपने को ऑप्ट आउट किया है या सोनिया जी ने ऑप्ट आउट किया है, जिसे न लगे कि हम वो प्रभावित कर रहे हैं लोगों की राय को, वो ठीक है। और लेकिन अब जैसे जिस ग्रुप में मैं था, उस ग्रुप में कोई दूसरा नाम सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो कोई नाम। लेकिन सर, जिस तरीके से अटकलें गर्म है, कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से ही अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो प्रियंका गांधी का नाम भी आगे आ सकता है, लोग राहुल गांधी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लड़ाई के जिस समय इतनी बड़ी लड़ाई है उसमें बीच में नहीं जा सकते हैं। सर, आप कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, ऐसे में क्या ये समझा जा सकता है कि क्या राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा, अगर कोई विकल्प तैयार होता है तो कांग्रेस की कमान अच्छे से संभाल सकता है? सवाल विकल्पों का नहीं है, विकल्पों का सवाल तो तब आता है जब कोई आ रहा हो आगे या कोई नाम बढ़ रहे हो आगे। कार्यकर्ता स्पष्ट तौर पर कह रहा है केवल 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 राहुल गांधी, यानी कि आज की मीटिंग भी विफल नजर आएगी क्योंकि राहुल गांधी अपना वक्तव्य साफ तौर पर रखते नजर आ रहे हैं। विफल तो नहीं आएगी क्योंकि एक एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टेट से जाना है, उनसे बातचीत की है, रैंक एंड फाइल से भी बातचीत हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से, स्टेट इंचार्ज से कहा गया है कि उनके व्यू पॉइंट्स भी आप मालूम करिए। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में नेता को अपना निर्णय लेने का हक है, लेकिन नेता को अनंतोगत्वा अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, अपने पार्टी अनुयायियों की भावना को भी सुनना पड़ता है। राहुल जी ने पहले भी कार्यकर्ताओं की भावना सुनी, पॉलिटिक्स में आए, और आप भी जो है कार्यकर्ताओं की भावना सुनेंगे और हमको नेतृत्व देते रहेंगे। शुक्रिया सर, R9 TV से खास बात करने के लिए कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।